संजय जी इस धरती के सच्चे वीर सपूतों में हैं, आज भी वीरता के साथ, साहस के साथ, सच्चाई ईमानदारी के साथ हर मुद्दे को प्रखरता के साथ जो है जाबाजी के साथ उठाते हैं संसद में। एक प्रधानमंत्री घर में होती है, मंच से कहता है हमारा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाए। मोदी जी ये बताओ देश की जनता परेशान रही, तुम्हारे घर की घंटी के बहन बेटी है पहलवान बेटी है दवाई तो तुमने सुना, किसान तुम्हारे घर की घंटी की दवाई तो सुना, महिलाओं ने घर की घंटी की दवाई किसकी आवाज तुमने सुना भाई मोदी। संजय जी भारत के एक ऐसे सांसद हैं जो हर मुद्दे पर प्रखरता के साथ, बेबाकी के साथ हर मुद्दे को उठाते हैं। संजय सिंह से बहुत ज्यादा ज्वलनशीलता भारतीय जनता पार्टी को है। पिछली बार ईडी सीबीआई की जांच हुआ था, निर्दोष पाए गए थे, एक और जबरदस्ती अगर कुछ नहीं है तो लाख मिला दिया जाएगा। घोटाला ईडी सीबीआई बजाय या बीआई से करा ले, फॉरेंस की जांच एजेंसी बुलवा के जांच करा ले। संजय सिंह पर मोदी जी आपकी हांडी भर चुकी है, ऐसा मनोज झा कह रहे हैं। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, यथार्थ कह रहे हैं, तथ्य के साथ कह रहे हैं, सत्य के साथ कह रहे हैं। आदरणीय संजय जी भारत के एक ऐसे सांसद हैं जो हर मुद्दे पर प्रखरता के साथ, बेबाकी के साथ हर मुद्दे को उठाते हैं। आप जानते होंगे मणिपुर के मामले में सांसद जी संसद में गर्मियापूर्ण बात प्रखरता से रखना चाहा तो बायकाट कर दिया गया। संजय सिंह को बड़ी ज्वल संजय सिंह से बहुत ज़्यादा ज्वलनशीलता भारतीय जनता पार्टी को है। ताले में उनका नाम है सर। भाई साहब अभी पिछली बार ईडी सीबीआई की जांच हुआ था, निर्दोष पाए गए थे, एक और जबरदस्ती अगर कुछ नहीं है तो लाख मिला दिया जाएगा। घोटाला ईडी सीबीआई की बजाय या बीआई से करा ले, फॉरेंस की जांच एजेंसी बुलवा के जांच करा ले। फिर भी संजय जी इस धरती के सच्चे वीर सपूतों में हैं, आज भी वीरता के साथ, साहस के साथ, सच्चाई ईमानदारी के साथ हर मुद्दे को प्रखरता के साथ जो है जाबाजी के साथ उठाते हैं संसद में। मोदी जी कहते हैं जो भ्रष्टाचार है वो जेल जाएंगे और जेल पहुंचा के रहूंगा। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को जो है मोदी जी अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे। सिंधे का जो है अपनी पार्टी में 70 करोड़ घोटाले का जो है किया, बोलते हैं मोदी जी गारंटी मेरी है। गारंटी किस बात की मोदी जी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी गारंटी देते रहते हैं। गारंटी वाली सरकार कोई है तो आप पार्टी है, केजरीवाल है जो गारंटी दे। आपने देखा नहीं कल पतंजय गुहा पत्रकार जी उन्होंने कहा मोदी महान है, मोदी भगवान के अवतार है। भाई साहब बहुत सारे लोगों को गोदी मीडिया का, कुछ और मीडिया को चरण चुंबन की भाषा आने लगी, न्यूज़ को लिख के पत्रकार, हाँ चरण चुंबन की भाषा आने लगी। अभी परसों की बात है कि हमारे जो है 61 पत्रकारों को जो है एक साथ ही उठा लिया गया, जो कि शीर्ष स्तर के 4-5 थे उनको उठा लिया गया। शाम को बरी किया गया कि तुम्हारे पास चाइना फंडिंग आ रहे हैं, तुम्हारे पास विदेश से बात करते हैं, तुम्हारे पास ये है। लेकिन कुछ भी नहीं, अक्षय शर्मा भी बरी होकर के आ गए और उपेंद्र जी भी आ गए, बहुत अच्छे से लोग आ गए। लेकिन जो फूल बनकर के जो जिया यहाँ इस भारत देश में, फूल बनकर के जो जिया यहाँ पर उसको एकदम मसला कुचला गया। आदमी को फौलाद के साचे में ढलना चाहिए, वक्त अधिकार हक की बात आ जाए, आंख से आंसू नहीं आंख से सोले निकलना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ईडी अपने स्वतंत्र है, वो अपना काम कर रही है, मामला गंभीर है, पत्रकारों को इसलिए रेड पड़े हैं। भाई करते रहें, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। अगर पौरुष महात्मा शाम के अधीन हो जाए तो रण में इन भुजाओं को तौले का कौन। चरण चुंबन की भाषा अगर ये पत्रकार लोग करने लगे, रवीश कुमार या अभिसार जी, तो आग की भाषा और सच की भाषा बोलेगा कौन। क्या लग रहा है जो इन पर रेड पड़ी है वो गलत पड़ी है? गलत पड़ी है, 2024 का चुनाव प्रभावित करने के लिए इस तरह से ऐसा किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बिल्कुल घबरा गई है, हमें क्या करना है इसको प्रभावित करने के लिए। विद्यार्थी दुखी हो गए हैं, किसान, पत्रकारों को कांग्रेस बैन करती है तब आप खुश होते हैं, आज जब मामला जांच ईडी कर रही है तो आप उछल रहे हैं, रो रहे हैं। कहीं ऐसा कुछ नहीं, जब बायकॉट किया गया, आप ये बताइए हमारे सैनिक जो अपनी जान की बाजी लगा करके प्राणों की रक्षा कर करके पूरी जिंदगी खपा देते, एक छोटी सी पेंशन हमारे सेना के जवान मांगते हैं तो कहते हैं कि पैसे नहीं है, शिक्षा पे बजट बढ़ा दो पैसे नहीं है, दवाई पे बजट बढ़ा दो पैसे नहीं है। क्या हमारे दुश्मन है हमारे देश के जवान और सैनिक, एक छोटी पेंशन मांग रहे हैं? तुम्हारे घूमने के लिए विदेश में दुनिया भर के पैसा है, तुम्हारे यार दोस्त नीरव मोदी ललित मोदी फला फला लेकर के पैसे भाग जाएं, 8-8 हजार करोड़ के जहाज में तुम घूमो, देश की जनता को सड़कों पर छोड़ दो। मोदी जी को कोसने से कुछ नहीं होगा, बीजेपी कह रही है 2024 में पूरा दोबारा से सत्ता में। भाई साहब मोदी जी खुद अहम और बहम के शिकार हो गए, जो उम्मीद है और सपना जो है जनता मोदी जी को लगा रखी थी, जो प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से कहा था कि 2024 में आऊंगा, उसको ये नहीं पता है कि लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है, चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद आएंगे। आज जो है देश में आग लगी है, मणिपुर धू धू करके जल रहा है, लेकिन चुनाव प्रचार से गप गप करने से, गप बनने से
इनको फुर्सत है, केवल मोदी जी को झंडी दिखाने का शौक है। तो मैं कहूँगा मोदी जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए, भारतीय जनता पार्टी कोई और प्रधानमंत्री बन जाए, आपको झंडी दिखाने का शौक है तो रेलवे गार्ड में चले जाइए, लाल हरी झंडी आप दिखाते रहिए। इसके सिवा ऐसा चेहरा कौन सा है जिसे प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? आपको कुछ नहीं मालूम, ये लड़के लड़की शादी नहीं है जो चेहरे से होती है, ये संवैधानिक प्रक्रिया का काम है। 5 साल बाद चुनाव होगा, जो बहुमत दल का नेता होगा, जिसके पास सांसद ज्यादा होंगे चुन के आएगा, ठीक है। मोदी परिवारवाद भ्रष्टाचारवाद से लड़ रहे हैं, क्या बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में कम परिवारवाद है? किसी प्रदेश में देख लीजिए, सबसे ज्यादा परिवारवाद इनसे है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी इनके पास है, सबसे ज्यादा दुराचारी इनके पास है, व्यभिचारी इनके पास है। भाजपा दूध की धूली गंगा जैसे पवित्र पार्टी नहीं है, कहने कुछ और है, दिखाने कुछ और है। भाई कांग्रेसी हैं, भारत वर्ष का बेटा हूँ, हरगिज डर नहीं सकता हूँ, मुझको मालूम है कि मरने के पहले मर नहीं सकता हूँ। जो कायर होके दुश्मनों को महिमा मंडित करने लगे, ठीक है मर जाऊंगा, लेकिन उसको नमन कर नहीं सकता हूँ। कहते हैं आप चश्मा उतारिए विकास दिखेगा, आप चश्मा उतारिए विकास दिखेगा, विकास दिख रहा है, आने वाला समय का वो भी आसार भी दिखाई दे रहा है, वो अभी वक्त याद कर लीजिए। अब आप कौन सा मुद्दा लाएंगे? जनता को आपने बहुत हुई महंगाई की मार पे, बहुत हुई बेरोजगारी की मांग पे, अब जनता बोलेगी बहुत हुई महंगाई की मार आपकी बार मोदी सरकार, अब जनता बोलेगी। पहले मोदी बोलते थे तो बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब भाजपा बीजेपी के सीएम है असम के, हाँ वो कह रहे हैं मियां का 10 साल तक वोट की जरूरत नहीं है और फिर बीजेपी आएगी। तो ऐसे लोग ना देश को बनाने में नहीं, ऐसे लोग जो है देश को बिगाड़ने में लगे होते हैं, कोई जर्रा नहीं ऐसा, उनको समझा देना, जो समझाने की बात है तथ्य के साथ बता रहा हूँ, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता, लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे वो मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले सोच लो, वतन से बढ़कर कोई मजाब नहीं होता, देश से बढ़कर कोई मजाब नहीं होता है। तो संजय सिंह पर अगर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, हाँ तो जांच होने दीजिए, हम कहा प्रभाव, जांच को हम नहीं प्रभावित कर रहे, जांच अपने ढंग से कर ले। लेकिन ये पता है भारतीय जनता पार्टी को, भारत के जन जन मानस का, कि भारतीय जनता पार्टी क्या पूरे सांसदों को मालूम है कि प्रखरता के चाव साथ जोश के साथ अपनी आवाज को बुलंद करने वाले एकमात्र संजय सिंह है। चाहे कोई भी मामला हो बढ़ चढ़ कर उठाता है मोदी के, चाहे चोरों को मामला उठाया गया हो, चाहे बेरोजगारों का मामला हो, चाहे लेकर पैसे जो भागे हैं नीरव मोदी ललित मोदी, सारी आवाज उठाने वाले संजय सिंह हैं। अच्छा क्या लगता है आपको, अभिषार शर्मा डर जाएंगे, अब बंद कर देंगे क्या अपना? अभिषार शर्मा चरण चुंबन की भाषा है, लो अभिषार शर्मा, रवीश कुमार, प्रज्ञा, इन सब लोगों को चरण चुंबन की भाषा नहीं आती है। ये लोग प्रखर, इनके माँ बाप अच्छे हैं, इनके संस्कार अच्छे हैं, सच को सच झूठ को झूठ लिखते हैं। आज इन्हीं लोगों से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है घबराई है, बीजेपी की सरकार घबराई हुई है कि यही लोग हमें मटिया मेट कर देंगे, एकदम ध्वस्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे। मोदी जी ने अभी हाल ही में कहा था कि 15 साल से हम यूट्यूब पर है, आप बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर आ गए हैं इसलिए क्या अभिषार शर्मा? एक बात बताओ, एक प्रधानमंत्री गर्मियां होती है मंच से कहता है हमारा यूट्यूब चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। मोदी जी ये बताओ देश की जनता परेशान नहीं, तुम्हारे घर की घंटिया बहन बेटिया पहलवान बेटिया दबाई तो तुमने सुना, किसान तुम्हारे घर की घंटिया दबाई तो सुना, महिलाओं ने घर की घंटिया दबाई, किसकी आवाज तुमने सुना भाई मोदी बताओ? तो आपने भी तो थालियां बजवाई थी। अरे बहुत बजा लिया थालियां, बजवा मोदी ने बजवाया था थालियां, बजवा लिया थालियां, बजवा लिया, अब घंटियां बजवाने का शौक है? बेल आइकन बजाइए, बेल आइकन के बजाय आज एक सर्वे करके देख लो पत्रकार महोदय, मोदी जी के चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। मैंने 10 लोगों से पूछा मोदी जी चैनल आपने सब्सक्राइब किया, लोगों ने कहा क्यों करूं, मोदी जी ने हमारा कौन सा सब्सक्राइब कर दिया। यार जनता है सब्सक्राइब करके आपको प्रधानमंत्री कुर्सी पे पहुंचाई है, अनसब्सक्राइब करना भी जानती है, 2024 में मोदी जी अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। चलिए थैंक यू।